दिल्ली एनसीआर के लोगों को मिली सौगात, आज से दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के पहले चरण में एक भाग की हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने किया देश की पहली रैपिड रेल का लोकार्पण, गाजियाबाद में रैपिड रेल को दिखाई हरी झंडी, नमो भारत रखा गया नाम। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के पहले फेज को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया, रैपिड ट्रेन पहले फेज में साहिबाबाद से दोहाई डिपो तक जाएगी। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी रैपिड रेल, साहिबाबाद से दोहाई पहुंचने में लगेंगे सिर्फ 12 मिनट। हाईटेक सुविधाओं के साथ लैस है रैपिड एक्स ट्रेन, ट्रेन में है 6 डिब्बे, एक बार में करीब 1700 यात्री कर सकेंगे सफर। आरआरटीएस के पहले फेज के साहिबाबाद दुहाई सेक्शन के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रैपिड रेल का सफर किया, ट्रेन के क्रू मेंबर्स और छात्रों के साथ बातचीत की। आज प्रधानमंत्री बेंगलुरु मेट्रो के पूर्व पश्चिम गलियारे के दो हिस्से राष्ट्र को समर्पित करेंगे, वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल होंगे। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया 4 ट्रेनों का उद्घाटन, कहा जम्मू कश्मीर में जल्द चलेंगी वंदे भारत। जम्मू कश्मीर को विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन सेवा की सौगात, एलजी मनोज सिन्हा ने स्पेशल ट्रेन का उद्घाटन किया। बड़गाम से बनिहाल के बीच चलेगी विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन, पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने ट्रेन में सफर किया, बोले जम्मू कश्मीर के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, एमपी तेलंगाना राजस्थान में उम्मीदवारों को लेकर होगी चर्चा। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के साथ तेलंगाना कोर ग्रुप की बैठक, जेपी नड्डा के घर हुई बैठक में अमित शाह हुए शामिल। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री शाह करेंगे प्रचार। एमपी में चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी, मुरैना में बूथ कार्यकर्ताओं को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया एड्रेस। आज प्रियंका गांधी की राजस्थान के दौसा में रैली, सचिन पायलट ने लिया तैयारियों का जायजा। संसद में पैसे के बदले सवाल, मामले में बढ़ सकती है महुआ मोइत्रा की मुश्किलें, कारोबारी दर्शन हीरा नंदानी ने जारी किया टीएमसी सांसद को फायदा पहुंचाने का कबूलनामा। संसद की एथिक्स कमेटी को दर्शन हीरा नंदानी ने शपथ पत्र दिया, महुआ मोइत्रा पे लगाया ब्लैकमेल का आरोप। आज बिहार की गया में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम, साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। अटारी वाघा बॉर्डर पे भारत के सबसे ऊंचे तिरंगे का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम मान ने अनावरण किया, 418 फीट है ऊंचाई। वर्ल्ड कप में भारत ने लगातार 4 जीत दर्ज कर लगाया जीत का चौका, पुणे में बांग्लादेश पर जीत का मना जोरदार जश्न। आज नवरात्र का छठवां दिन, मां दुर्गा के छठे स्वरूप देवी कात्यायनी की जा रही पूजा आराधना। सुबह से ही माता के दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु, मंदिरों में लगी भक्तों की कतार। कोलकाता के बेहला में बना फुचका पंडाल, गोलगप्पे में बिराजी मां दुर्गा। दिल्ली के लाल किला मैदान पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रामायण में राम सीता लक्ष्मण के किरदार निभा रहे कलाकारों का तिलक लगाकर लिया आशीर्वाद। एमपी के इंदौर में गरबा का दिखा अनोखा सा नजारा, हजारों नौजवानों ने किया फ्री स्टाइल गरबा।